आबकारी घोटाले को लेकर आज मनीष सिसोदिया से फिर से पूछताछ होगी, जहां कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड दो दिनों के लिए बढ़ा दी है। सिसोदिया से पूछताछ के लिए सीबीआई के सवालों की लिस्ट भी तैयार है और आज दो नए गवाहों से सिसोदिया का आमना सामना भी हो सकता है। सीबीआई मनीष सिसोदिया और गवाहों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है, तो ये बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, अलबत्ता और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कस्टडी भी बढ़ा दी गई है दो दिन के लिए और इस बीच सीबीआई अभी मनीष सिसोदिया को आमने सामने गवाहों के साथ बिठाकर पूछताछ कर सकती है और लंबे अभी सवालों के फहरिस्त हैं। पंकज जैन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या खबर मिल पा रही है, क्या जानकारी, क्योंकि सिसोदिया की मुश्किलें तो वो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, जाहिर है कि जब तक रिमांड पर है मनीष सिसोदिया तब तक तो उनके साथ पूछताछ चलेगी ही, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है, इस पूरे मामले को फर्जी बता रही है, वो भी सड़कों पर उतरी हुई है। कल देखा हमने किस तरह से राउस एवेन्यू कोर्ट में जब पूरे मामले को लेकर पेशी चल रही थी, उसी दौरान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई और प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। और ऐसे में सीबीआई जो है वो अपने सवालों के साथ तैयार है, क्योंकि रिमांड पर है तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवालों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग रेड के दौरान पकड़े गए हैं या बाकी ऐसे लोग जो इस दौरान पॉलिसी में शामिल थे, जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका आमना सामना मनीष सिसोदिया के साथ कराया जा सकता है। तो जाहिर है कि सीबीआई किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती है, क्योंकि जब कोर्ट में मामला जाएगा तो कई सवालों का जवाब भी देना होगा। बहुत शुक्रिया पंकज इस खबर पर दर्शकों को अपडेट पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाकर रखें, इस खबर पर लौटेंगे और शराब घोटाले का यह पूरा मामला और इसी को लेकर यह खींचतान